सही जगह पर रखा हुआ सामान या फिर आइटम्स सही रिजल्ट देता है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को, स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली है। वास्तु में एक्चुअली इसी चीज़ का रोल है। कौन सी वस्तु आपके घर पे किस दिशा में किस जगह पे रखी हुई है, उस हिसाब से आपके घर की एनर्जी चैनलाइज होती है और चीज़ें मैटर करती है। बहुत से ऐसे आइटम है, वैसे इसमें और भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई होगी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि सारी चीज़ों को कवर करूँ मैं, बेसिकली जो डे टू डे लाइफ में घर में इंसान यूज़ करते हैं। आजकल देखे होंगे बहुत चीज चलता है, टॉर्टोइज वाला बहुत चलता है, ये वाली बिल्ली बहुत चलती है, इस टाइप की आकृति बहुत चलते हैं, यहाँ भी देख लेंगे आपको। एक्चुअली टेक्निकली विंग चेन तो शायद जब से मैं होश संभालो तब से चलते आ रहे हैं। अब टेक्निकली देखा जाए, उस समय तो चलिए खैर नॉलेज नहीं थी, बट ये है फेंगशुई का पार्ट। अब फेंगशुई है क्या, वैसे एक अलग टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक, इस पर वीडियो लेकर आएंगे डेडिकेटेड प्रिसाइसली वीडियो, बट क्रक्स में अगर मैं आपको समझा दूँ, बहुत चीज़ें बोलते हैं फेंगशुई वास्तु है, कई लोग बोलते हैं कि वास्तु से भी ऊंचा है, कई लोग बोलते हैं वास्तु से भी नीचा है, कई लोग बोलते हैं कि भैया वास्तु शास्त्र जो है ना वो इंडियन कल्चर में है एंड जो फेंगशुई है ना वो चाइना का वास्तु। टेक्निकल वे में बता दूं, देखो मैं किसी कंट्री को ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी कई बार क्या होती है ना कि कई चीज़ें हम किसी और से लेकर उससे कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत करके ना एक अपना अलग नाम दे देते हैं। तो जो वास्तु शास्त्र है वो सनातन, वो बेसिकली आया इंडियन ओरिजिन का चीज़ है। हो सकता है चाइना वाले या चाइना के कुछ लोग वो बुक्स वगैरह को, वैसे भी बहुत हिस्ट्री आप इसे पढ़िएगा, इसे मैं बड़े वीडियो पे लेकर आऊँगा प्रॉपरली, बट फिर भी चाइना ने कुछ कुछ पार्ट लिया, या फिर वहाँ के लोगों ने या उस रीजन के लोगों ने कुछ कलेक्ट किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, सारी चीज़ें देखने के बाद एक अपना नया वो बनाया, हेडिंग चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया फेंगशुई। अब अगर फेंगशुई की मैं टेक्निकली बात करूँ तो फेंगशुई इज अ पार्ट ऑफ वास्तु, वो इतने बड़े पूरे चीज़ का ना इतना सा पार्ट है और उसमें से भी आधी चीज़ें गायब है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ फेंगशुई यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, बट ठीक है बहुत कम बेसिक, मैं अभी आगे वीडियो पे इस पर डिस्कस करूँगा। तो अगर स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल वे में बोले, अब इसमें मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ये सब आइटम आपके घर में है तो बाहर कर लीजिए, वर्क नहीं करता, नेवर, डेफिनेटली इट विल वर्क अगर आप प्रॉपरली यूज़ करें, सही जगह रख के यूज़ करें, लॉजिकली एंड प्रॉपरली अगर उस चीज़ को सोच और समझ के साथ यूज़ करें। कैसे आप स्टार्ट करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, आप देखे होंगे ड्रैगन की कछुआ है, ड्रैगन वाला कछुआ जिसके ऊपर कछुआ है, नॉर्मल कछुआ है, टोटोइज मेरे घर में भी पहले गिफ्ट से गिफ्ट में बहुत ज़्यादा चलते हैं, बेसिकली आज के डेट में भी ये अलग अलग मेटल्स के भी आते हैं, ब्रास के आते हैं, कॉपर के आते हैं, ग्लास वाला भी आता है, आउल। अब इसको टेक्निकल वे में कैसे समझें, लोग क्या करते हैं अक्सर उन्हें गिफ्ट मिला या फिर खरीदे मार्केट से लाए अपने घर में रख दे, क्यों रखे, भैया लकी कैट होती है या फिर लकी आउल होता है या लकी होता है कछुआ रखना, भैया लकी नहीं होता है, ये एक प्रॉपर एट्रीब्यूट्स और वो तब वर्क करते जब आप उसे प्रॉपर जगह में रखें, हर चीज़ का लॉजिक है। अब यदि आपके पास कछुआ है तो किस डायरेक्शन पे आप रख सकते हो, पहली डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, क्यों, बिकॉज वेस्ट इज द जोन ऑफ विष्णु जी एंड जो कुर्म अवतार है वो विष्णु जी का, मतलब कछुआ आप इसे गूगल करिएगा आप समझ जाएंगे, तो विष्णु जी का प्रतीक मान के हम इसे वेस्ट डायरेक्शन पे रख सकते हैं, हमारी विश फुलफिलमेंट का काम। दूसरा डायरेक्शन जो इसके लिए है वो नॉर्थ पे रख सकते हैं, अगर आपको विश फुलफिलमेंट करानी है, टेक्निकल समझिएगा ना इसका मतलब, ठीक है टेक्निकल वे में समझिएगा, विश फुलफिलमेंट करानी है तो इसे आप रखिए वेस्ट डायरेक्शन पे। यदि आपको अच्छे से चीज़ों ग्रैप करनी है या फिर अबेंडेंस में कोई चीज़ें चाहिए तो आप इसे रखिए नॉर्थ डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि भैया कछुआ मैक्सिमम टाइम पानी पर रहता है, यदि ये जो शोपीस है जो ये है आपके पास स्ट्रक्चर वो अगर पानी वाला है, मतलब आपके पास मेटल का है आप उसमें पानी भर के रख रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन एक वो ऐसा डायरेक्शन जिसपे आप रख सकते हैं। नॉर्थ के अलावा जो डायरेक्शन है जिसके इसमें आप रख सकते हैं वो है भैया ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट कौन सा जोन होता है, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो जोन होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों रखना हमें ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट जो है ना वो चरनिंग की जोन है, ESC, ये साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का होता है, तो वो चर्निंग की जोन है। चर्निंग मतलब आपका दिमाग, अगर आप किसी रिसर्च, एज आई टोल्ड यू कि वो आपके डिपेंड करता है कि आप काम करें, अगर रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, एक रिसर्चर हो, वहाँ पर रखे, क्योंकि कछुआ पानी पे चलता है, पानी हमें तो चल होते रहता है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट द बेस्ट डायरेक्शन। तो ये है, ऐसे नहीं कि भैया घर में लाए रख दिए कहीं भी, नेवर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप रखें, साउथ ईस्ट बेटर, मैं यही बोलूंगा साउथ ईस्ट पे रखिए, उसका फेसिंग रखिए नॉर्थ की तरफ, बहुत अच्छा वर्क करता है। यदि हम आते हैं आउल पे, वहाँ भी आ रहा हूँ मैं आउल पे, तो एक्चुअली देखिए कोई भी चीज़ बनाई गई ना तो उसका एक मतलब से बनाया गया, उसके एक खुद में कोई मतलब एट्रीब्यूट से प्रॉस्पेर, अब जैसे आउल की बात करें, आउल को वहाँ पर चाइना में एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है, नॉट ओनली चाइना, इंडियन कल्चर में भी माना जाता है, लक्ष्मी जी का वो माना जाता है उसे, तो आउल इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इसलिए भैया लोग कहते हैं कि ऐसा लो आउल, ये साइन वे में काम करता है, आउल थोड़ी काम कर रहा है, आउल आपके लिए उल्लू जो है वो थोड़ी ना प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा,
प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज ये कनेक्टेड आपके सबकॉन्शियस माइंड से, चीज़ें ऐसे वर्क करती है। यदि आप आउल को देखें तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे रख सकते हैं, आउल बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब ये टेक्निकली आपके माइंड से वर्क करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट मैं अमूमन लोग बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, कई क्वेश्चन भी पूछता है कमेंट्स में, सर ये ग्लास वाला टोटॉइज है कहाँ रखे, मेटल वाला है कहाँ रखे, ग्लास वाले टोटॉइज में पानी भरे कि नहीं रखे। मैं वो मित्र को भी बोल रहा हूँ, यदि आपका ग्लास वाला टोटॉइज है, कछुआ कांच वाला वे में भी आता है, कांच के बोल में उसके ऊपर कांच का कछुआ, तो उसमें पानी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कांच रहता है वो बाय डिफॉल्ट वाटर एलिमेंट पर वर्क करता है एज अ वाटर एलिमेंट, तो उस पर पानी भरने की जरूरत नहीं। बात कर लेते हैं ड्रैगन की, तो ये एक्चुअली बना फेंगशुई क्योंकि चाइना से बना, चाइना में ड्रैगन को हो सकता है उनका एक्स वाई जेड जो भी रिलीजन है वो मानते हो, इसलिए उन्होंने एज अ इसे एक सिंबल रखा कि ये हमारे लिए काम करे। अब ये आपके इंडियन कल्चर में घर पे रख दोगे तो शायद आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि भैया भावना जुड़ी रहती है। अगर मैं बात कर लूँ, लेट अस सपोज, इसमें जात धर्म नहीं आ रहा, एग्जांपल से आप समझिएगा, वो इंसान बजरंगबली को ज़्यादा पूछता है, एग्जांपल ले लीजिए, उस वो उसका मैं एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि भैया मेरी विश बजरंगबली के सामने जाने से पूरी होगी, उसके आसपास आप बजरंगबली की मूर्ति या फोटो रखिए वो वर्क कर जाएगी। अगर बजरंग बली की फोटो के जगह कोई एक्स वाई जेड किसी और धर्म का हो सकता है भगवान की मूर्ति या फोटो लाकर रख दी है, वो वर्क ही नहीं करेगी उसके लिए, क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियसली उसके मन में कुछ है ही नहीं, वो जानते हैं नहीं उसकी हिस्ट्री वगैरह। तो भैया ड्रैगन उनके लिए वर्क करता है, यहाँ वही चीज वर्क करेगा एज अ घोड़े में या फिर एज अ लायन में या फिर बुल में, तो चीजें ऐसे वर्क करती है। नेक्स्ट अगर जाएंगे हम तो ये हाथी, हाथी अगर देखा जाए इंडियन कल्चर के हिसाब से नॉर्थ में ज्यादा बेटर रहता है, क्यों, क्योंकि कहा जाता है गज केसरी योग, अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो लाया जाएगा, बट हाँ अगर ये हाथी आप रखना चाहते हैं कोशिश करिए कि सूंड उठा हुआ वाला ही हाथी रखे, नीचे वाला ना रखे। बहुत टाइप के हाथी आते हैं जिनका सूंड किसी का ऐसा रहता है, किसी का ऐसा रहता है, किसी का ऐसे उठा हुआ जैसे ये उठा हुआ है, कोशिश करिए उठा हुआ लाइएगा और नॉर्थ में रखिएगा, अबंडेंस अट्रैक्ट करने का काम है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबकॉन्शियसली वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चील, चील को भी माना गया है कि जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड हो तो आप चील को भी यूज कर सकते हैं। आप चील के जगह आप गौतम बुद्ध की भी फोटो अगर यूज करोगे वो सेम वर्क करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा देगा। चील की नज़र बहुत फोकस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए वो वैसे वर्क करता है। इसमें डायरेक्शन नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन पर रख सकते हो, अगर रखना है नॉर्थ ईस्ट, अगर है नॉर्थ ईस्ट पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत चला है आप देखे होंगे, बिल्ली ऐसे ऐसे करते रहती है, इसकी ना कहानी है चाइना में, लकी कैट कहा जाता है, जो अपना प्रॉस्पेरिटी कहानी है कि एक थे कोई भी फलाना ढिपकाना था, उनके घर बिल्ली आती थी और जब जब वो बिल्ली आती थी तब तब उनके घर कोई अच्छी खुशखबरी आती थी या फिर एक कुछ भी एक गुड न्यूज़ आती थी, तो वो जो भी थे एक्स वाई जेड बहुत ज़्यादा राज खानदान से थे, सारे लोग उनको जानते थे, तो वो ये चीज़ फैला दे कि भैया आप घर पर बिल्ली रखो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगा। फिर वहीं से कहीं ना कहीं ये डिराइव होकर ये चीज़ बना। अब पता नहीं कौन सी कंट्री वालों ने ऐसा ऐसा वाला लगा दिया, बट ठीक है वो वर्क करता है ऐसे लोग बोलते हैं, पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ठीक है लकी कैट अगर आपके मन पे है वो लकी है तो वो करेगा। फिर आ जाते हैं भैया लाफिंग बुद्धा जी, बहुत लोगों को मिथ है लाफिंग बुद्धा रखने से पैसा आता है, नेवर। लाफिंग बुद्धा की भी एक कहानी, एक्चुअली ये मॉन्क की कहानी है, ये वो मॉन्क थे जिनको आप कुछ भी बोलो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। जैसे अगर हमारे इंडियन कल्चर में देख ले तो ऋषि मुनि लोग होते हैं, तो वहाँ के मॉन्क है, चाइनीज़ मॉन्क है एक्चुअली। तो भैया लाफिंग बुद्धा रखने से पैसे नहीं आते, लाफिंग बुद्धा रखकर आप अपने घर की खुशियों को बढ़ा सकते हो, तो वहाँ रख सकते हैं विंग चेन, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था। विंग चेन क्या करता है ना, ऑरा को पॉजिटिव करता है, जैसे अपने इंडियन कल्चर में बेल रहता है ना, घंटी मंदिरों में जाएंगे, विंग चेन की जगह अगर आप अपने घर में घंटियाँ भी लगा लेंगे ना, मंदिर वाली घंटी, तो सेम वर्क करेगा, क्योंकि इसका मेन वर्क रहता है कि वहाँ की वेव को क्लियर कर देना, वहाँ से नेगेटिविटी हटा देना। विंग चेन है इसको थोड़ा ईजी वे में लगा दिया, घंटी बहुत हमारी घंटी भारी होती है, हवे से बहुत देर में हिलती है, तो भाई ये लगा दिया कि हवा का वेव भी जाए तो वो वहाँ पर हिले और उसके वेव ठीक हुए। वैसे इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक समय के बाद ना इसकी आवाज़ फिर डिस्टर्ब करने लगती है। सेम केस होता है टैटू पे, जब किसी एक चीज़ को आप बार बार सुनने लगते हो ना, तो एक समय के बाद वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करने लगती है। आप कभी ट्राई करिएगा, नया फोन ले रहे हैं, रिंगटोन लगाए, वो रिंगटोन कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, बट रेगुलर आपके पास जब फोन आते हैं वो रिंगटोन बार बार बजता है, एक समय के बाद इरिटेशन हो जाएगा, आप साइलेंट में डाल दोगे, जब भी वो बजेगा अलार्म के साथ क्या होता है, सेम वे ही है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे नहीं। हंसों का जोड़ा, ये एज अ कपल काम करता है, हंसों का जोड़ा के इसको कहा, क्योंकि ये एज अ कपल सिंबलाइज किया गया। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे रख दीजिए कपल के बीच बढ़ जाएगा, साउथ वेस्ट पे रख दीजिए बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। सेम है, मैंने कहा ना कि फेंगशुई को लिया ही गया इंडियन कल्चर से, इतने बड़े चीज़ का इतना सा पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें होगी। अब भैया थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अब जैसे हमारे यहाँ पर गाय को, गौ माता को बहुत मान्यता दी जाती है,
हमारे यहाँ पर शेर को बहुत ज्यादा महानता दी जाती है, हमारे यहाँ पर घोड़ों को बहुत ज्यादा महानता दी जाती है, चाइना में ड्रैगन को दिया जाता है। तो इनके कोई अपने रीजन, हमारे यहाँ भैया गौ माता को माता माना जाता है, माँ का दर्जा दिया गया, रीजन सबको पता है। तो हो सकता है वहां भी कोई एक्स वाई जी एक्टिविटी हुई होगी जिनके वजह से ड्रैगन को मारने लग गया, वो उनकी मर्जी है। ये फिश है, ये भी फिश का सेम काम है जो मैंने कहा था, जो ये वाला फिश आप देखे थे ना, यही तो था शायद, ये फिश सेम वर्क है, पैटर्न अलग है, वर्क बाकी सेम करेगा। तो ये कोई छह बेसिकली ये सब आइटम फेंग शुई के है, यूज अपने इंडियंस भी कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स अपॉन यू, आप यूज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी। बाकी होप सो इस वीडियो का लॉजिक समझ आया होगा। इस वीडियो पे मैं सामान समझाने के लिए नहीं इस वीडियो को बनाया, लॉजिक समझाया कि कैसे वर्क करता है और आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, और अगर आप रख रहे हैं घर पे तो सही डायरेक्शन पे रख के इसका सही इस्तेमाल करिए। तो इस वीडियो पे इतना ही, अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।